Hello dear students, in this class we will understand about the need of software engineering. Software engineering की आवश्यकता क्या है? आप जानते हैं कि यदि कोई फैकल्टी आपको बोलते हैं कि आप 10 लाइन का एक कोड लिख दीजिए, आप सीधा एडिटर ओपन करते हैं और लाइन ऑफ कोड लिख देते हैं. और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ लैंग्वेजेस का एक्सपोजर देने के बाद ही पढ़ाई जाती है, तो इसके पीछे एक कारण है. सबसे पहले जब आप छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं उस समय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उतनी कॉम्प्लेक्सिटी आप मैनेज नहीं कर रहे हैं और उतनी कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने की जरूरत नहीं है और है भी नहीं, है ना. सो अगर ये प्रोग्राम बड़ा होता है, अगर इसमें कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ बड़े प्रोजेक्ट की बात करें अपन, वो बनाने हैं आपको, तब वहां पर आपको शुरुआत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से करनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करनी होगी. एंड देन ओनली आफ्टर फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस आप ये कह पाएंगे कि आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट बना है या अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट बना है. सो द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अराइजेस बिकॉज ऑफ हायर रेट ऑफ चेंज. एक बहुत बड़ा रीजन माना गया है, मैं यहां लिख देता हूं, हायर रेट ऑफ चेंज. एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दिया गया, आपके आपने उस बिहाफ में कोड लिख दिया, लेकिन जिस एक्टर ने आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था उनके कुछ मॉडिफिकेशंस आ गए, या उन्होंने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए, या कुछ मैनिपुलेशन प्रोविजंस उन्होंने एक्सपेक्ट किए कि इसमें होने चाहिए, तब वहां पर जो भी आपने प्लान किया था उसको रीफैब्रिकेट करने की जरूरत है या रिक्रिएट करने की जरूरत है. तो ऐसी स्थितियां जहां पर हायर रेट ऑफ चेंज हो, उस चेंज को भी हैंडल करने की काबिलियत आपके उस सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए, उस स्ट्रैटेजी को आपको बनाना होगा, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसमें मदद करता है. आई एम रिपीटिंग, द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अराइजेस बिकॉज ऑफ हायर रेट ऑफ चेंज इन यूजर रिक्वायरमेंट्स एंड एनवायरमेंट ऑन विच द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग. So second factor is environment. बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन एनवायरमेंट के लिए. मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर वेब प्लेटफॉर्म बनाया, एक वेबसाइट बनाई. वेबसाइट के लिए भी आजकल बहुत सारे प्रोविजंस हैं, क्योंकि यहां पर एक डिस्क्रिमिनेशन होता है कि आप किस पर्टिकुलर ब्राउजर पर उस वेबसाइट को रन करने जा रहे हैं. आपके पास ब्राउजर के टर्म में बोले तो सफारी एक ब्राउजर है, क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है. इन ब्राउजर्स को मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं ये मैं बता देता हूं, क्योंकि इन ब्राउजर का बिल्डिंग स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम को लेके नहीं लिखा गया, ठीक है. सो डेवलपर्स या ओनर्स इनके अलग अलग हैं, तो उनकी पर्सपेक्टिव उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने को लेकर अलग अलग है. तो वहां पर हमें एक प्रोविजन देना होता है जिसमें ये वेबसाइट सारे ब्राउजर्स पे अच्छे से रन करे. तो आपने एक वेब किट्स का नाम सुना होगा जो कि इनकॉर्पोरेट की जाती हैं इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के साथ जो आपने वेबसाइट में दिया है. और वो वेब किट ध्यान रखती है कि आपकी जो वेबसाइट है वो डिफरेंट ब्राउजर कॉन्फ़िगरेशंस पर अप्रोप्रिएटली चले. सो ये तो वेबसाइट का एक कॉन्टेक्स्ट हो गया. यहां पर भी आप एनवायरमेंट को विजुलाइज कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट को की वेब सर्विस का यूज अगर अपन करते हैं एंड्रॉइड में, इट इज एन एनवायरमेंट, मैकिंटोश जिसको बोलते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. तो एनवायरमेंट मतलब क्या होता है? लॉन्च पैड, जहां पर वो एप्लीकेशन रन करेगी. मतलब एनवायरमेंट आपको इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, लाइक टू ब्रीथ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. आपका सॉफ्टवेयर उसमें सर्वाइव करेगा, उसमें ऑपरेट करेगा, तो ऑपरेट करने के लिए कुछ इकोसिस्टम उसके पास है कि नहीं, सपोर्ट सिस्टम है कि नहीं, वो एनवायरमेंट मेक श्योर करती है. सो किस पर्टिकुलर एनवायरमेंट पर वो सॉफ्टवेयर चल रहा है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सो अगर मैं इसको समराइज करूं तो उसमें पहला नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फैक्टर होगा लार्ज सॉफ्टवेयर.
आप कोई लार्ज सॉफ्टवेयर क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, देन इट इज इजियर टू बिल्ड अ वॉल देन टू बिल्ड अ हाउस. ये कहा जाता है कि एक दीवार बनाना ज्यादा आसान है एक पूरे मकान बनाने से. तो यहां पर भी यही फैक्ट विजुलाइज करिए कि एक छोटा प्रोग्राम लिखना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू बिल्ड अ लार्ज सॉफ्टवेयर. एज द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर बिकम लार्ज, इंजीनियरिंग हैज टू स्टेप इन. यदि कोई लार्ज सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको उसमें इंजीनियरिंग लगानी ही होगी, क्योंकि इंजीनियरिंग आपको क्या देगा, प्रोविजन देगा टू हैंडल द सरप्राइजेस. इवन दैट सरप्राइजेस कम इन द फॉर्म ऑफ हायर रेट ऑफ चेंज, एनवायरमेंट चेंज लाइकवाइज. सो इट विल बी अ साइंटिफिक प्रोसेस. द इंजीनियरिंग प्रोसेस इज अ साइंटिफिक प्रोसेस विच विल बी फॉलोड टू हैंडल सच काइंड ऑफ लार्ज सॉफ्टवेयर. द सेकेंड पॉइंट is scalability. सबसे पहले समझिएगा स्केलिंग होती क्या है. एक पर्टिकुलर मान लीजिए एक रूम है जिसमें 20 चेयर्स लग सकती हैं, कैपेसिटी उसकी 20 है, तो क्या उसमें 5 मोर चेयर्स लगाई जा सकती हैं? क्या कुछ सेटल करके कुछ बीच का जो एरिया होता है उसको कॉम्प्रोमाइज करते हुए हम उसमें 25 लगा दें? क्या ये पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल है तो हम उसको बोलेंगे कि ये सिस्टम समहाउ मैनेज टू हैंडल दैट पर्टिकुलर स्केलेबिलिटी 20 to 25. कोई पर्टिकुलर चेयर है और उस चेयर को कंपनी से बोला गया कि इसमें 80 केजी तक का पर्सन बैठ सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोई भी 81 वाला कोई केजी का कोई पर्सन बैठा तो तुरंत चेयर कोलैप्स कर जाएगी. सो द कंपनी प्रोवाइड सम स्केलेबिलिटी ऑल्सो इन दैट प्रोडक्ट कि भाई 80 हमारा प्रिस्क्राइब्ड है बट 85-87 केजी का पर्सन भी बैठ सकता है उसमें. सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट व्हाट इज द स्केलेबिलिटी, टू व्हाट एक्सटेंड द सिस्टम कैन बियर द थिंग्स मैक्सिमम लिमिट. सो इफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस वर नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट इट वुड बी ईजियर टू रिक्रिएट new software than to scale an existing one. So scalability की property हम समझ चुके हैं. अब यहां पर हमें एक context और समझना होगा कि अगर scientific principle या engineering concept को अपन ने use नहीं किया तो आपके पास scalability के लिए बहुत ही कम क्षमता रह जाएगी. और अगर ऐसा होता है तो इससे better है कि क्या कर लो भाई, recreate कर लो software. उसमें सॉफ्टवेयर में फर्दर एक्सटेंशन अलाउड नहीं है क्योंकि आपने प्रोविजंस नहीं दिए हैं, वो आपने साइंटिफिक प्रोसेस फॉलो नहीं किए, तो क्या करो, रिक्रिएट कर लो. अदरवाइज बेस्ट वे क्या होता है, स्केलेबिलिटी कब अचीव हो सकती है, जब आपने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इंजीनियरिंग स्ट्रेटजीज फॉलो की होंगी. सो लार्ज सॉफ्टवेयर, टू हैंडल लार्ज सॉफ्टवेयर, टू मेक सिस्टम स्केलेबल वी नीड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. थर्ड पार्ट इज द कॉस्ट. अब कॉस्ट को समझना है तो इसमें हम दो पार्ट समझेंगे, कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर. व्हेन वी टॉक अबाउट हार्डवेयर कॉस्ट, तो आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे हार्डवेयर इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन आ रहा है धीरे धीरे हार्डवेयर की कॉस्ट कम होती जा रही है, लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा नहीं है. सॉफ्टवेयर की कॉस्ट अगर आपको कम करनी है सो यहां पर आपको एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करनी होगी, प्रॉपर टेम्पलेट्स फॉलो करनी होंगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो सॉफ्टवेयर कॉस्ट में राइज एक्सपोनेंशियली. अब यहां पर जो प्रॉपर प्रोसेस की बात हम कर रहे हैं उसमें हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर एसोसिएटेड लाइब्रेरी को प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हो, या ऑन शेल्फ कंपोनेंट को हम यूज कर रहे हो. आपको मैं टर्मिनोलॉजी बता दूं, ऑन शेल्फ का मतलब क्या होता है, जब कोई कंपनी एक सर्टन एक्सपीरियंस के साथ कुछ ईयर्स तक काम कर लेती है तो जो उसने हिस्ट्री में प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे उन प्रोजेक्ट्स के कंपोनेंट्स वो ऑन शेल्फ कर सकते हैं. इसका मतलब ये होगा कि आज की डेट में अगर उस कंपनी के पास कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट आती है तो
सबसे पहले वो ऑन शेल्फ कंपोनेंट जो बने बनाए कंपोनेंट हैं उनमें से सर्च किया जाएंगे और उन कंपोनेंट्स को पिक कर हम अपनी कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं और टाइम को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट कॉस्ट उतने लोग लगाने होंगे आपको, उतने डेवलपर आपको हायर करने होंगे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, लेकिन अगर आपको कुछ कंपोनेंट्स अपने एक्सपोजर के बेसिस पर प्रीवियस जो आपकी प्रोफाइल था पोर्टफोलियो था उसमें से ही कुछ कंपोनेंट मिल जाए तो इससे बेस्ट केस हो ही नहीं सकता। लेकिन ये कब होगा ऑन शेल्फ, जब आपने वो इंजीनियरिंग स्ट्रेटेजी लगाई होंगी, आपने कंपोनेंट को रेडी टू इनकॉर्पोरेट प्रोसेस स्टेज में रखा होगा, मतलब कंपोनेंट बनाना हार्ड कोड नहीं करना है आपको कि एक ही क्लाइंट आया है और उसी क्लाइंट के लिए बस आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना के दे दिया और वो पहला और आखिरी क्लाइंट होगा, ऐसा तो नहीं है, उसके बाद भी हो सकता है उस डोमेन के और भी क्लाइंट आए। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ऑन शेल्फ करना है, आपने ठीक है कंपोनेंट बना लिए, उस क्लाइंट को है ना रिक्वायरमेंट सॉल्व कर दी उसकी, दूसरा क्लाइंट जब आया तो हमने उन्हीं कंपोनेंट्स में से कुछ कंपोनेंट जो उसकी रिक्वायरमेंट के साथ मैच हो सकते थे उन्हें पिक किया, इनकॉर्पोरेट किया। तो मैं आपको बता दूं कभी कभी ऐसा केस होता है कि 70:30 का रेशियो होता है, 70% कंपोनेंट हमें ऑन शेल्फ मिल जाते हैं, 30% आपको वो पर्टिकुलर जो सेकंड क्लाइंट आया है उसकी प्रॉब्लम की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को हम एड्रेस कर पाते हैं। सो दिस कुड बी अ वेरी बिग हेल्प इन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट। सो प्रॉपर प्रोसेस इज वेरी मच नीडेड टू maintain the cost, to minimize the cost. The fourth thing or fourth factor is dynamic nature. The always growing and adapting nature of software hugely depend upon the environment or the domain in which the user works. If the nature of software is always changing, new enhancements need to be done in the existing one. This is where software engineering plays a good role. So, as a user, you know that the client are so ambitious in their projects, in their problem statements, suggesting the problem statement. They always try to incorporate some new things to their development. So, यहां पर आपका perspective उन particular requirements को जो कि समय के साथ बदल रही हैं और आपके client चाहते हैं कि उसको incorporate किया जाए, तो उनको आप कैसे handle करते हैं? So, if the nature of software is always changing, new enhancement need to be done in the existing one. आपको जब भी कोई चेंज आता है किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के द्वारा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया, तो आपको उसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में प्रोविजंस ऐड करने हैं। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने चेंज बता दिया तो आप इसको अपन है ना क्रॉस करते हैं और कुछ नया फिर से शुरू करेंगे। दिस शुड बी नॉट लाइक दैट, एग्जिस्टिंग थिंग हैज टू बी चेंज्ड सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर ऑल्सो, द क्लाइंट ऑल्सो। द फिफ्थ पॉइंट इज quality management. How you maintain the quality? Quality depends on the quality parameters you tackle on or you handled. आपने कौन-कौन से quality parameters को consider किया है, जिनको आपने consider करते हुए अपने development पर अपनी बोलना चाहिए process को refine करते हुए और correct करते हुए आप आगे बढ़े हैं। So quality management, better process of software development provides better and quality software product. Better process, better product. So quality management ke case mein aap bol sakte hain, if you follow the right process, better process, you will have the better product. So this is all with the need of software engineering. We have five things: a large software, handling of the layered software with the help of engineering, scalability with the help of provisions already incorporated in the scientific process, the cost where the software cost is a factor where you incorporate the best possible processes, follow the right process for the right thing, the dynamic nature as user comes with the some new changes, you need to change the existing software, and for the quality management, you need to follow the better process,
to develop or deliver a better product. So that's it for now. Thank you.